हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आपका। सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ हो या आसाम राइफल ट्रेड्समैन की हम बात करें या एसएसबी ट्रेड्समैन की बात करें, जहां भी ट्रेड्समैन की बात आती है वहां पर हाउसकीपिंग स्टाफ जो है या जिसको स्वीपर ट्रेड कहा जाता है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर्सेज का। कि ट्रेड्समैन में यदि हम बात करते हैं तो स्वीपर ट्रेड का जो है वो भी उसमें इंपॉर्टेंट रोल है सफाई कर्मचारी का। अब सफाई कर्मचारी की तैयारी यदि आप कर रहे हैं तो उसमें आपको ट्रेड से रिलेटेड क्वेश्चंस, कुछ हमारी फोर्सेस ऐसी हैं कि जहाँ पे रिटन एग्जाम जो होता है उसमें भी ट्रेड के क्वेश्चंस आते हैं। जैसे कि आसाम राइफल की बात करें तो आसाम राइफल में 20 क्वेश्चन आपको ट्रेड के मिलेंगे, और सीआरपीएफ पैरामेडिकल स्टाफ की बात करें तो उसमें 50 क्वेश्चन आपको ट्रेड के मिलेंगे। हमारे बहुत सारे साथियों ने कहा कि आप स्वीपर ट्रेड का क्लास नहीं हो रही है। स्वीपर ट्रेड की क्लास बिल्कुल हो रही है, और क्लास जो है वो आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी। गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर यदि आपने स्वीपर ट्रेड का कोर्स लिया है, चाहे सीआरपीएफ पैरामेडिकल का या आसाम राइफल का लिया है, तो आपको वहाँ पर सीआरपीएफ के जो ट्रेड के क्वेश्चंस हैं या आसाम राइफल के ट्रेड के क्वेश्चंस हैं जो स्वीपर ट्रेड के, वो आपको वहाँ पर वीडियोस के रूप में आपको मिलेंगे, वो आप वहाँ से ले सकते हैं। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन, और इसका ये थोड़ा बोरिंग आपको इसलिए लगेगा कि ये क्वेश्चन जो है आपको पहली बार आपको देखने को मिल रहे होंगे। कि आपने सफाई कर्मचारी से आवेदन किया है, बहुत अच्छे 5-स्टार होटल से आपने सर्टिफिकेट भी बनवा लिया है, एक्सपीरियंस लेटर भी बनवा लिया, लेकिन ट्रेड का नॉलेज नहीं है। अब देखिए पहला क्वेश्चन है, एक होटल या रिसोर्ट जो जल उपचार और अन्य व्यक्तिगत देखभाल उपचार प्रदान करती है, जो मूल रूप से एक गर्म पानी के झरने या गीजर के पास स्थित होता है। एक होटल प्रॉपर्टी के बारे में कहा गया है कि जो जल उपचार या अन्य व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करती है और जो किसी गर्म पानी के झरने या गीजर के पास स्थित होता है, तो वो कौन सा होगा इनमें से? कि सौना होगा, स्पा होगा, कबाना होगा, मोरीबाना होगा? तो ये आपको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि होटल हाउसकीपिंग जो है वो आपको विशेष रूप से आपको पढ़ के जाना होगा यदि आप ट्रेड्समैन की भर्ती, सफाई कर्मचारी की भर्ती में जा रहे हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा स्पा। एक विशिष्ट कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक श्रमिकों के घंटों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शब्दावली। अब ये जो है ये होटल हाउसकीपिंग का एक पार्ट है, उसमें ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और हाउसकीपिंग यदि हम बात करें, सफाई कर्मचारी की बात करें, तो होटल हाउसकीपिंग या हॉस्पिटल हाउसकीपिंग पहले आता है। सीआरपीएफ पैरामेडिकल की बात करते हैं तो वहाँ पर हॉस्पिटल हाउसकीपिंग के साथ में आपको शामिल करना है। तो यहाँ पर कौन सा आवर्स उसमें होगा? तो ये हो जाएगा हमारा मैन आवर्स। और ये वीडियोस आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन पर आपके लिए अवेलेबल हैं। यदि आपने कोर्स लिया है तो इनके लिए आपको अलग से पे करने की जरूरत नहीं है। जब कोर्स हमने लगाया था, जिन साथियों ने पहले कोर्स लिया उन्होंने कहा कि कोर्स में मैटर जो है वो कम है, लेकिन कोर्स में इतना मैटर आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाएंगे, और आपका जो एग्ज़ाम जब होगा उस दिन आपको पता चलेगा कि हमने जो कोर्स लिया था उसकी क्या अहमियत रही। 24 घंटे में समय अवधि जब बिजली की खपत सबसे कम होती है। देखिए ये होटल हाउसकीपिंग की बात नहीं है, ये हमारे घरों में भी होता है ऐसा कि एक समय ऐसा होता है कि जब बिजली की खपत सबसे कम होती है, तो वो कौन सा समय वो होता है? वो ऑफ पीक आवर्स होता है, जिस समय में बिजली की खपत सबसे कम होती है। एक पदार्थ जो लिनन को कठोर रूप देता है, देखिए एक ऐसा पदार्थ जो कपड़े को कठोर रूप देता है कौन सा? कि आपने देखा है क्लब लगाया जाता है, तो ये क्वेश्चन जो है ये एक्चुअली वॉशरमैन का भी है और हाउसकीपिंग, वॉशरमैन जो है वो भी हाउसकीपिंग का ही हिस्सा है। तो ये क्वेश्चन जो है हमारा, ये स्वीपर का क्वेश्चन भी है, और उसको अभी स्वीपर को हाउसकीपिंग स्टाफ ही अभी कहा जाता है। तो यहाँ स्टार्च जो है ये आंसर अपना हो जाएगा, स्टार्च का इस्तेमाल किया जाता है।
धोने के चक्र के उस चरण का नाम बताइए जिसमें लिनन से रसायन निकाले जाते हैं। कई बार आपको जब ट्रेड में आप जाते हैं वहाँ पूछा जाता है कि एक कोट है या एक ट्राउज़र है उसके ऊपर ग्रीस लग गया, उसको कैसे आप निकालेंगे, किसका इस्तेमाल आप करेंगे, ये ऐसे क्वेश्चन आपको टेस्ट में पूछे जाते हैं। अब ये तो हम बात कर रहे हैं क्वेश्चंस वो जो रिटन एग्जाम में आपको पूछा जाता है। तो रिटन एग्जाम में पूछा जाता है धोने के उस चक्र को तो कैसे निकाला जाएगा, उसको रिंसिंग किया जाता है, उसको जो सॉफ्ट जो कपड़े होते हैं हमारे उन पर लिखा भी रहता है नो रिंसिंग, जो सावधानियां जो होती हैं लिखा रहता है उस पर, तो वो है रिंसिंग। कठिन सफाई कार्यों के लिए निर्दिष्ट एक क्लीनर प्रकृति में भारी कर्तव्य हो सकता है। एक्चुअली मुख्य रूप से क्या होता है कि प्रश्न जो है वो अंग्रेजी में होते हैं और उनका अनुवाद किया जाता है, तो कुछ भाषा जो है वो थोड़ी सी जो है वो टेढ़ी भाषा हो सकती है, आपको समझने में थोड़ा सा ऐसा लगे कि ऐसी भाषा का इस्तेमाल कैसे किया गया है। तो ये क्लीनर स्पेसिफाइज फॉर टफ क्लीनिंग जॉब्स मे बी हैवी ड्यूटी इन नेचर। तो मूल रूप से प्रश्न किसमें है, अंग्रेजी में, और उसको किया है, उसको ट्रांसलेशन उसका किया है तो वह क्या होगा, वो होगा सिंगल पर्पज क्लीनर, यहां पर डी उत्तर हो जाएगा। वह कपड़ा जो नमी को अवशोषित नहीं करता है, ऐसा कौन सा कपड़ा, देखिए कॉटन जो सूती कपड़े जो होते हैं वो तो नमी को अवशोषित करते हैं, अंडरगारमेंट्स जो होते हैं वो इसीलिए कॉटन होते हैं, सिंथेटिक अंडरगारमेंट्स पहनने की सलाह इसीलिए नहीं दी जाती है। तो कौन सा होगा इसमें, वून वुलन जो है ऊन होगा या पॉलीप्रोपिलीन होगा ओलेफिन होगा, तो यहाँ पर उत्तर जो है हमारा देखिए पॉलीप्रोपिलीन भी होगा और ओलेफिन भी होगा, तो बी तथा सी दोनों उत्तर जो है दोनों इसमें आंसर हो जाएगा। वैक्सिंग से पहले फर्श को खत्म करने के लिए लगाया जाने वाला एक रासायनिक पदार्थ, फर्श कौन सा, जो फ्लोरिंग जो सिंथेटिक फ्लोरिंग लगाया जाता है उसकी बात हो रही है यहाँ पे, तो वो क्या हो जाएगा, वो स्ट्रीपर लगाया जाता है उसको, बी उत्तर हो जाएगा। उपयोग करने से पहले पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग किए जाने वाले रसायनों से भरे विभिन्न टैंकों का क्लोरीन, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। क्लोरीन का क्या यूज़ है और ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज है, ये सब आपको पूछे जाते हैं सफाई कर्मचारी के टेस्ट में विशेष रूप से। तो यहाँ पर इसका क्या होगा, होटल हाउसकीपिंग यदि हम बात करें तो शुद्ध करने के लिए यहाँ पर वाटर सॉफ्टनर, उसको सी उत्तर इसका हो जाएगा। हाउसकीपिंग कर्मी जो एक निर्दिष्ट क्षेत्र के तहत कमरों की सफाई का प्रभारी होता है, तो ये आप होटल हाउसकीपिंग की ही बात नहीं है, ये जब आप फोर्सेज में जाते हैं वहाँ पर भी हाउसकीपिंग का काम आपको मिलता है, बड़े जो मैस होते हैं, ऑफिसर्स इंस्टीट्यूशंस वगैरह होते हैं वहाँ पर भी ये सब प्रभारी होते हैं और काम इसी प्रकार होता है जैसा कि होटल हाउसकीपिंग में होता है। तो यहाँ पर उसको कहा जाता है सेक्शन हाउसकीपर। तो दोस्तों ये कितने क्वेश्चन आपको आसाम राइफल में मिलेंगे, आपको 20 क्वेश्चंस आपको आसाम राइफल का जो ट्रेड टेस्ट होगा, जो एग्ज़ाम होगा रिटन एग्ज़ाम, उसमें आपको मिलेंगे। और ये आपको गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन की सभी ट्रेड का एक ही सॉल्यूशन, गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन, आप गायत्री मोबाइल एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उस पर आपको ये सब मैटर मिलेगा, क्लासेस मिलेंगी, वीडियोस मिलेंगे, पीडीएफ फॉर्म में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे और पेपर्स मिलेंगे, वो आप सॉल्व कीजिए। आपको और हमें मिलकर तैयारी करनी है कि इस बार असम राइफल या CRPF लेकर रहेंगे। जय हिंद।